ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, याद रखिए। आइए आगे चलते हैं। शांति जो है दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आंतरिक शांति, मन की शांति, आम जबान में इसको कहेंगे पीस इनसाइड, और एक होता है सामाजिक शांति, पीस आउटसाइड। मतलब एक आदमी मनपूर्वक शांतता उसके अंदर हो, और एक हो समाज में शांति हो। समाज की शांति मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि समाज में अगर शांति नहीं होगी और एक आदमी अपने जीवन के लिए, अपने माल के लिए, अपनी जान के और बीवी बच्चों के लिए भयभीत होगा, परेशान होगा, तो जाहिर सी बात है मन की शांति को बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकेंगे यहाँ। लेकिन जहां समाज इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हम में से लोग भारतवर्ष में जो रहते हैं, हिंदुस्तान में जो रहते हैं, शांततापूर्वक, मतलब हमारा समाज शांति वाला समाज इन जनरल, हम उसमें रहते हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? इसलिए कि मन की शांति हमें प्राप्त नहीं होती। इस्लाम ये भी तरीका बताता है कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए, ये भी बताता है समाज में शांति कैसे स्थापित की जाए, या स्थापित है तो उसको कैसे बाकी रखा जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए, दोनों चीजें बताता है। मन की शांति एक व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वो उसके मन में उठने वाले जो सवाल प्रश्न होते हैं, जैसा कि वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, किसने उसको भेजा, यहाँ क्या करना है आके, मरने के बाद क्या होगा, उसके बाद कोई जिंदगी जीवन है ही नहीं है, ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। इसका भी इंसान को जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, तो उसको मन की शांति प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद फिर समाज की शांति, इसका इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं। तो इस्लाम दोनों शांति को महत्वपूर्ण बताता है, और मैं अपने अल्फाज में जिसको हम कहेंगे, मैं यूं कहता हूं कि जो मन की शांति होती है वो बीज जैसी होती है, जिसके ऊपर समाज की शांति का वृक्ष लगता है, याद रखिए, वो बीज जैसा होता है, बीज जो डालते हैं आप उसके वृक्ष लगता है। तो मन की शांति ये बीज का काम करती है, जिस पर जो है एक जो है शांति, जिसको कहेंगे समाज की शांति का वृक्ष लगता है। और याद रखिए बात को, जिस समाज में शांति नहीं होती वहां कोई उन्नति, वहां कोई तरक्की, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, याद रखिए। तो पीस या शांति या अनिवार्य है, कंपल्सरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और वो तभी अटेन हो सकती है जब हम एक दूसरे से बात करें, मिसकंसेप्शन दूर हो, गलतफहमियां हटाई जाए, और हम एक दूसरे से मिले, कुछ ऐसी चीज लग रही है जो मिसकंसेप्शन जिससे डेवलप हो रहे, उसको हम एक दूसरे से बात करके उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए आगे।